एक चीज मैंने नोटिस करी है, काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदे या फिर S23 अल्ट्रा। ऑनेस्टली इसका जवाब बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। सबसे पहले दोनों फोन का डिजाइन देखो, मेरे हिसाब से एप्पल जो है रिपीटिव डिजाइन लेकर आ रहा है, लेकिन इस साल इन्होंने डायनेमिक आइलैंड दिया जो कि मुझे इतना यूजफुल नहीं लगा। जबकि सैमसंग अपने फोन में एस पेन देता है जिससे आप फोटोज खींच सकते हो, नोट्स ले सकते हो, बहुत फायदे है। और हार्श रियलिटी तो ये है कि इन सब के बाद भी लोगों को सिर्फ एप्पल लोगो ही मैटर करता है। और प्रैक्टिकली बताऊं तो डिस्प्ले और बैटरी जो है दोनों फोन की सिमिलर परफॉर्म करती है, बट सैमसंग ज्यादा चार्जिंग स्पीड देता है। और एक रियलिटी बताता हूं, दोनों फोन जो है अपनी अपनी जगह पे फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देते हैं, बट फिलहाल आईफोन जो है बेटर गेमिंग सेटिंग्स दे पाता है। कैमरे की बात करो तो फोटोज जो है सैमसंग बहुत बेटर खींचता है, खासकर HDR और जूमिंग कैपेबिलिटीज देखो, चांद की फोटो ये सैमसंग से खींची है। बट वीडियो क्वालिटी में आज भी आईफोन ही विनर है यार, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। इन शॉर्ट सैमसंग फंक्शनैलिटी में बेटर है, बट अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम मैटर करता है तो आप आईफोन ले सकते हो। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो।